पुलिस ने 6 महीने पुराने चोरी केस का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने 1 लाख के जेवरों को चोरी कर जेवरों को अपने घर में ही छिपाकर रखा था और वो पकड़े जाने के डर से 6 महीने के लिए फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से सारे जेवरात बरामद कर लिए। मामला सिंगरौली का है, जहां 6 महीने पहले धनवती साहू के यहाँ से 1 लाख के सोने चांदी के जेवरों की चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई थी। 6 महीने तक इस केस में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अचानक पुलिस को इस मामले में एक संदेही घर आने की खबर मिली। पुलिस ने इस संदेही को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उसे घर दबोच लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि चोरी का माल उसने घर में ही छुपा कर रखा था। पुलिस ने चोरी किए जेवर को बरामद कर लिए हैं। हमारे पहले 14 अक्टूबर को रजमिलान है, माला क्षेत्र का एक गाँव, वहाँ पर एक फरियादी के घर में सोना मकान था, ताला लगा था, उसमें एक चोरी की घटना घटित हुई। उस पर से थाना माड़ा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था उसकी सूचना पर से, जिसे फरियादी ने बताया था कि उसके कुछ जेवरात थे जो चोरी हुए हैं, लगभग 1 लाख के आसपास के जेवरात थे। और उसके बाद फिर पुलिस लगातार से पतासाजी करने का प्रयास कर रही थी, कहीं एक से एक संदेही के नवारे में जानकारी मिलेगी तो पुलिस उसकी ही पतासाजी कर रही थी। वो संदेही घर से गायब था, लंबे समय से बाहर रह रहा था, पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही थी। अभी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ज्वाइन करने पर उनके द्वारा मीटिंग के दौरान संपत्ति संबंधी अपराधों में पतासाजी कर कार्रवाई करने के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए थे। उसी तारतम्य में थाना प्रभारी द्वारा पुनः इसमें पतासाजी के प्रयास किए गए, जिसमें से मुखबिर के माध्यम से पुलिस को जानकारी लगी कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति संभवतः उसके द्वारा चोरी की गई थी और वो व्यक्ति आया हुआ है, तो पुलिस ने उसको अभिनय अपेक्षा में लिया और उससे पूछताछ की, जिससे ये उसने स्वीकार किया कि हाँ उसके द्वारा चोरी की गई थी और उसने चोरी का जो सामान अपने घर में छुपा के रखा हुआ है, पुलिस ने उसको अभिरक्षा में लेकर चोरी का सामान जब्त किया, सुनार से उसका तौल वगैरह करवाया और उसमें जानकारी ली कि जो माल चोरी हुआ था वो पूरा का पूरा माल पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। फरियादी को भी इस संबंध में सूचना की गई है। अभी पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने आरोपी को न्यायालय पेश कर दिया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।